कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। कर्नाटक की जीत का जश्न पूरे देश में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया जा रहा है। कसरावत में भी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जयस्तंभ चौराहे पर जीत का जश्न धूमधाम के साथ मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ता प्रचंड जीत की बधाई एक दूसरे को देते हुए नजर आए। जीत के जश्न में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और आतिशबाजी की। इस दौरान कर्नाटक चुनाव में चर्चा का विषय बने रहे। कई कार्यकर्ता जय बजरंगबली के नारे भी लगाए। कांग्रेसियों का कहना है कि कर्नाटका में भाजपा चारों खाने चित हो गई है। कांग्रेस की यह जीत बताती है कि देश में नफरत की राजनीति अब और नहीं चलेगी। कर्नाटक चुनाव में जीत से उत्साही कांग्रेसियों ने आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में इसी तरह के परिणाम लेने की उम्मीद जताई है। आज ये कर्नाटक विधानसभा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके विषय पे क्या कहना चाहोगे? आज जो है कर्नाटक की जनता ने जो आज ऐतिहासिक फैसला दिया, उससे पूरे देश में ये मैसेज दिया है कि नफरत की राजनीति छोड़कर देश की जो है जनता चाहती है कि देश का विकास हो। और हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो अपने भाषणों में वादा किया था कि हम जनता को जो है किसी तरह से जो है गैस की टंकी और 1500 रुपये महीना महिलाओं को और अन्य जो वादे 5 महत्वपूर्ण वादे थे उनको जो है पूरा करने की हमारी सरकार जो है पहली कैबिनेट में उसको फाइनल करेगी। और वैसे भी प्रियंका गांधी जी ने बताया कि राजनीति का मुद्दा और जो है चुनाव जो है मुद्दों पर होना चाहिए, ना कि देश में जो है नफरत की भावना पर और जो है नफरत की भावना फैला जाए और उसके आधार पर होना चाहिए। आज जो है नफरत हारी है और जो है प्रेम जीता है। इसको लेकर आप यह क्या संदेश देना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी से? जिस तरह से जो है कर्नाटक की जनता ने शुरुआत कर दी है, उसी तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और देश में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और कांग्रेस पार्टी एक बार पुनः जो है पूरे देश पर अपना जो है शासन स्थापित करेगी और जनता का सेवा का काम करेगी। कसरावत तहसील से अब्रार पठान की रिपोर्ट।